hello friends welcome to studybus तो आज हम लोग एंटर कर चुके हैं डे थर्टी ऑफ फिफ्टी डेज चैलेंज में मतलब हमने काफी हद तक ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है एंड अब बस लास्ट लैप की तरफ हम लोग मूव करके जिसमें फाइनल ट्वेंटी डेज मेजर फोकस हमारा रहने वाला है रिविजन पे प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक्स में मॉडर्न मैथ्स हम लोग आज खत्म करने वाले हैं तो देखते हैं आज के क्या क्या टारगेट्स हैं और क्या क्या चीज आपको प्रैक्टिस करनी है सो माय नेम इज सौरभ उठा लेट्स स्टार्ट उससे पहले भाई आपको बताता हूं इस समय ऐसा फेज चल रहा है जब बहुत ज्यादा आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही होगी बहुत बार ये लग रहा होगा मेरे से नहीं होगा मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसीलिए ये कोड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू डोंट कंट्रोल व्हाट यू थिंक यू कान कंट्रोल व्हाट यू डू सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थॉट्स एंड वो आएगा जब आपको ये पता होगा कि मॉक्स में चाहे कम मार्क्स आए चाहे ज्यादा मार्क्स आए दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ठीक है तो जब भी आपके मॉक्स में कम नंबर आते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना मॉक्स में ज्यादा मार्क्स आते हैं तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना फोकस करना है सिर्फ सिर्फ एनालिसिस में और कंसिस्टेंट रहना है जब तक एग्जाम ना हो जाए तो अब हम देखते हैं हमारे आज के क्या क्या टारगेट्स हैं डे थर्टी में हम लोग मॉडर्न मैथ्स के फाइनल टॉपिक प्रोबेबिलिटी की तरफ आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक पीएनसी से रिलेटेड है तो भाई आराम से टॉपिक आप कर लोगे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है इस वीडियो को भाई मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया अराउंड वन आर का ये वीडियो है इसके बाद आपको एल और वर्बल में आपने चीजें खत्म कर ली है तो अब टाइम आ गया प्रैक्टिस का तो आज आप लोग वर्बल में एक सेक्शन टेस्ट लिखोगे जिसमें भाई आप कोशिश करोगे ज्यादा ज्यादा पूरी की पूरी चीजों को एनालाइज करने में एक जो मेजर चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप बर्बर का सेक्शनल टेस्ट देते हो ना और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर आपके गलत क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं तो एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है जब आप एनालिसिस करते हो तो यह देखना कि भाई आपने क्या गलती की थी जो क्वेश्चन आपने मार्क किया था वो क्यों नहीं आंसर है और जो आंसर है उसके उसके पीछे क्या रीजनिंग है उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो ताकि थोड़े दिनों में आपके पास एक पूरी रिपोजिटिव हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में यह चीज करनी है वो आई गेस आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है इसके साथ आज आप एक एलआरडी का सेक्शनल टेस्ट दोगे भाई चार सेट्स आपके सामने होंगे तो आपको भाई ये सीखना है कौन सा सेट आसान है कौन सा मॉडरेट है कौन सा डिफिकल्ट है और एल का सेक्शनल टेस्ट देते हुए ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आप प्री नोशन के साथ नहीं जाओगे कि मेरा तो भाई वेन डायग्राम अच्छा है मेरा अरेंजमेंट अच्छा है वही करना है आप क्वेश्चन को उसके मेरिट पर डिसाइड करोगे एंड तब आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सेट आपको पिक करना है फिफ्टी आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपके इस टॉपिक पे एक बहुत अच्छी कमांड डेवलप हो जाएगी जब ये सारी चीजें अचीव कर लोगे तो इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है टारगेट अचीव रेडी फॉर डे थर्टी वन सो आई होप ये पूरा पूरा प्लान आपको हेल्प कर रहा होगा इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टारगेट्स ऑल द बेस्ट टेक केयर